दोस्तों लोकेशन आप देख रहे हैं, ये लोकेशन डेफिनेटली आपका जाना पहचाना लोकेशन है। इससे पहले हमारा कई सारा वीडियो आपने देखा होगा जो कि ऐसे लोकेशन सेम लोकेशन का ही होगा। सामने जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ पारस टेरा प्रोजेक्ट इन सेक्टर 137 नोएडा। और इस वीडियो में कम्प्लीटली आप इन्फॉर्मेशन जान पाएंगे इस टावर के बारे में। ये टावर क्या है, क्या साइज है, क्या ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं, इसके बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगा। एक ऐसा लोकेशन जो हबी सभी तरीके से हैबिटेट है, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, आपको लाइफ गो अहेड करने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। सो फ्रेंड, इस वीडियो में आप कम्प्लीटली इस टावर के बारे में जान पाएंगे जो कि कम्प्लीटली एक 1 BHK अपार्टमेंट का फ्लैट है। और ये बात कर रहे हैं हम लोग पारस टेरा सेक्टर 137 नोएडा में है। उसका आप ये कमर्शियल देख सकते हैं, सामने पूरा कमर्शियल है, अजनारा डेफोडिल है। सो वी आर इनसाइड द टाउनशिप एंड दिस इज़ द टावर पोर्शन फ्रॉम द बैक एंड। टोटल 28 फ्लोर की बिल्डिंग है। 28 फ्लोर की बिल्डिंग में आपको सेम साइज़ के फ्लैट्स मिलते हैं जो कि 495 स्क्वायर फीट का फ्लैट होगा, फुल्ली फर्निश्ड होगा, जो कि फिजिबल है, बहुत ही अच्छा है किसी भी बैचलर के लिए, किसी भी छोटी फैमिली के लिए। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये फेलिक्स हॉस्पिटल है। तो सेक्टर 137 जाना जाता है अपने कनेक्टिविटी के वजह से और अपने रेडी टू मूव इन सारे एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ के वजह से, चाहे वो कमर्शियल का पोर्शन हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, ये सारी चीज़ें आपको ईजिली यहाँ पर मिल जाती हैं। तो फ्रेंड, दिस इज़ द लॉबी एरिया। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही हम लिफ्ट से निकलते हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ये अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं और इन ब्लॉक्स में आपको अलग अलग फ्लैट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल 2 लिफ्ट है एंड 2 लिफ्ट के साथ में स्टेयर केस भी है, 2 स्टेयर केस हैं एंड ये अलग अलग कॉर्नर यूनिट्स पे घर बने हुए हैं। और सभी का जो साइज़ है वो सिमिलर साइज़ है, 495 स्क्वायर फीट इज़ द फुल्ली फर्निश्ड 1 BHK अपार्टमेंट जो अभी आप अंदर से देख पाएंगे। ये उन सभी के लिए अच्छा है अगर आप कहीं बाहर से जॉब करने के लिए आए हुए हैं और नियर बाय सेक्टर अगर आप देखें तो काफ़ी IT कंपनीज हैं यहाँ पे, तो ईजिली आपको फुल्ली फर्निश्ड मिल जाता है घर बहुत ही अफोर्डेबल रेंटल पे, जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, एज ए होटल काइंड ऑफ आप इसे यूज़ करते हैं। जब आप इसे रेंट पे लेते हैं तो डेफिनेटली 2 महीने का सिक्योरिटी आपको डिपॉजिट करना होता है, उसके साथ में 1 महीने का एडवांस आपको पे करना होता है। सामने जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा IT सेक्टर है, सेक्टर 136 एंड देन इसके अपोजिट सेक्टर 135 है, जहाँ पे भी कई सारी कंपनीज है। सेक्टर 143 में भी कई सारी कंपनीज है एंड सेक्टर 137 के साथ में लगता हुआ सेक्टर डेवलप हो रहा है, जहाँ पे आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर कम्प्लीटली एक कमर्शियल हब डेवलप हो जाएगा। तो ऐसे किसी जगह पे अगर आप रेंटल में लेना चाहते हैं या आप एज ए ऑनर बनना चाहते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो कई अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, क्योंकि जिस बजट में ये आ रहे हैं अंडर द रेंज ऑफ 32 से 35 के बीच में आपको यहाँ पे मिल जाता है। डेफिनेटली इसमें अभी रजिस्ट्री नहीं है, एग्रीमेंट टू सबलीज हो सकता है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट ही अभी चलता है। तो इस तरीके का आप इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रेंटल इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं आप अपने लिए। ROI अगर आप देखें तो ROI काफ़ी अच्छा इसमें निकलता है। अगर आप 32-35 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके 20,000 रुपये तक का अगर रेंटल आप जनरेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा आपका ROI है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जस्ट दिस इज़ द एंट्री पार्ट ऑफ द फ्लैट। तो इस फ्लैट के अंदर आप देखेंगे तो फुल्ली फर्निश्ड है, कम्प्लीटली फिटेड विथ सोफ़ा, रेफ्रिजरेटर, LED, AC, फैन, लाइट्स, ये कंप्लीट होता है। तो ये छोटा सा पार्ट आपका आ जाता है जो कि आपका लिविंग एरिया काइंड ऑफ हो गया। सामने ही किचन है जिसमें चिमनी, हॉब, IGL फिटेड, RO, ये सारा काम कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे आपको एक फ्रेंच विंडो मिल जाता है वेंटिलेशन के लिए, एयर सर्कुलेशन के लिए एंड दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। अगर बेडरूम का भी अगर आप साइज़ देखें तो काफ़ी अच्छा साइज़ है, जिसमें आपका एक डबल बेड लगा हुआ है और वार्डरोब भी यहाँ पे लगा हुआ है, इसके साथ में फैन, लाइट, AC यहाँ पे भी लगा हुआ है। यहीं पे आकर आप देखें तो एक बालकनी भी आपको मिल जाता है कपड़े वगैरह सुखाने के लिए, वेंटिलेशन के लिए, एयर सर्कुलेशन के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। नीचे अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड सोसाइटी है,
ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी है इस सोसाइटी में। फारेस्ट टेरा इज द प्रोजेक्ट नेम, जो कि सेक्टर 137 नोएडा में है, एक ऐसे लोकेशन पे नोएडा एक्सप्रेसवे पे, जहाँ पे आपको स्टूडियो अपार्टमेंट या 1 BHK के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। अगर आप अपने लिए रेंटल काइंड ऑफ कुछ फैसिलिटी देख रहे हैं, इस तरीके के ऑप्शंस देख रहे हैं, या एक अगर आप छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अंडर द रेंज ऑफ 30 to 35 lakh रुपीज़, देन दिस इज़ द ऑप्शन। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी इस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो 2 BHK बेयर मिनिमम 55 lakh रुपीज़, 65 lakh रुपीज़, 17 lakh रुपीज़, डिपेंडिंग अपॉन द सोसाइटी स्टार्ट होगा। तो छोटे इन्वेस्टमेंट में दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे रेडी टू मूव इन ऑप्शन अवेलेबल है, एंड फ्रॉम द फर्स्ट डे यू विल स्टार्ट गेटिंग रेंटल इनकम इन दिस प्रोजेक्ट। लोकेशन की बात करूँ तो नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ में लगता हुआ ये सेक्टर है। ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो नोएडा का सबसे क्लीनेस्ट सेक्टर है, सबसे ग्रीनेस्ट सेक्टर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे यहाँ पे सभी चीज़ें अवेलेबल है, चाहे वो मेट्रो फैसिलिटी हो, मेट्रो स्टेशन हो, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेज हों, कैब फैसिलिटी हो। आपको सोसाइटी के बाहर ही शेयरिंग ऑटो भी मिल जाता है, इलेक्ट्रिक रिक्शा भी मिल जाता है। आपको आसपास में किसी भी वर्किंग प्लेस पे जाना तो वहाँ पे, तो ऐसे किसी लोकेशन पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली फारेस्ट टेरा को ज़रूर एक बार आप कंसीडर करें। ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस बजट पे इन्वेस्टमेंट का। एंड ये मास्टर बेडरूम के साथ में ही अटैच वाशरूम है, जो कि कंप्लीट फिटेड है गीजर के साथ। तो ये कम्प्लीटली एज ए होटल जैसे हम लोग जाते हैं वहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, उस तरीके का ही। यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको खुद से परचेज करके लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप आएँ और स्टार्ट रिसाइडिंग इन दिस प्रोजेक्ट। अगर आप इसे परचेस करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि बजट इसका 32 से 35 लाख रुपए हो सकता है। इसके अलावा एक ट्रांसफर चार्ज भी यहाँ पे आता है, जो कि लगभग 1.5 लाख रुपए का फिक्स चार्ज है। और अगर आप रेंट पे लेना चाहते हैं तो 2 महीने का सिक्योरिटी आपको डिपॉजिट करना होता है, उसके अलावा 1 महीने का आपको एडवांस पे करना होता है, और आप यहाँ पे रहना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बैचलर हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, अगर आप छोटी फैमिली हैं तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जो कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मीट करती हो तो डेफिनेटली हमारी टीम से जरूर कोऑर्डिनेट करें। फॉर द फर्दर असिस्टेंस एंड हेल्प विल हैप्पी टू हेल्प यू। फारेस्ट एरिया में ही दोस्तों कई और ऐसे लेआउट्स हैं जो कि इससे बड़े साइजेस के भी हैं, चाहे वो 2 BHK का हो स्टार्टिंग फ्रॉम 825 square feet, देन द नेक्स्ट साइज इज 925 square feet, देन 2 BHK स्टडी, 3 BHK, देन 3 BHK सर्वर। इस तरीके के कई सारे साइजेस अलग अलग हैं, अलग अलग बजट रेंज में, जो कि स्टार्ट हो जाता है 2 BHK में इन्वेस्टमेंट लगभग 52-53 lakh रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। नोएडा एक्सप्रेसवे का सबसे लोएस्ट एंड अफोर्डेबल प्राइस का अगर कोई सोसाइटी है, देन दिस इज फारेस्ट टेरा। डेफिनेटली इसमें कुछ खामियाँ भी हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी थोड़ी सी वीक है, रजिस्ट्री नहीं है यहाँ पर। इन सब चीज़ों के वजह से आप एक अफोर्डेबल सेगमेंट में अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली हमें प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें जिनके भी रिक्वायरमेंट हो आपके नोन में। और कुछ और भी आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे सेल्स टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मिलता हूँ दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।